नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए और फ्रेश वीडियो में वर्ल्ड ऑफ पार्थ के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पार्थ गोलियान आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो और प्रसन्न हो। आज का हमारे वीडियो जो है, इसमें मैं आप सबको एक बहुत ही कीमती डिवाइस के बारे में बताऊंगा जो आप सबके घरों में होना चाहिए। आज के डेट में पूरे भारत में, आपको पता है और मुझे भी पता है, पूरे भारत में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है और अभी गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इतना ज़्यादा गर्मी हो गई है कि कई सारी जगहों पर पानी की कमी भी आ चुकी है, और जहाँ पे पानी की कमी नहीं है वहाँ पे पानी की स्वच्छता की भी प्रॉब्लम आ रही है कि पानी ज़्यादा साफ नहीं रहता, गंदा आता है पीछे से, और कई बार पानी गंदा आ रहा होता है और वो हमें पीने से पहले नहीं पता चलता, और कई बार पीने के बाद भी पता नहीं चलता कि वो गंदा है। आपके और मेरे हम सब के घर में एक्वागार्ड हो गया या वाटर प्योरीफायर हो गया, या कोई ना कोई तरीके से हम पानी को प्योरीफाई करने की कोशिश तो करते हैं, बट कई बार पानी इतना ज़्यादा गंदा होता है कि वो मशीन से भी नहीं हो पाता। तो इसी चीज़ की जो प्रॉब्लम है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि हमें पता चल सके कि जो हम पानी पी रहे हैं क्या वो अच्छा है कि नहीं, कोविड के बाद वैसे भी आपको और मेरे को हम सबको पता चल चुका है कि हेल्थ के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और कैसे हेल्थ को हमें, हमारी सेहत को कैसे ध्यान रखना रहता है, हमारी सेहत का कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये एक उसी का एड ऑन है, काफ़ी सस्ता सा डिवाइस है, 199 रुपीज से भी कम में आपको ये अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। अगर आपके पास आपका GST नंबर है तो आप वो भी क्लेम कर सकते हैं अमेज़ॉन से। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ये TDS मीटर के बारे में, टोटल डिस्टिलेशन इन सॉलिड्स इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, जैसे हमारे पास हर चीज़ मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ रहता है, जैसे दूध होता है, कोई भी लिक्विड हो गया वो लीटर्स में मेजर हो जाता है, कोई भी सॉलिड होते हैं वो किलोग्राम्स में हो जाता है, फलाना फलाना, वैसे ही पानी जो है उसको हम इस TDS मीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब इसके थ्रू क्या करना रहता है और इससे क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। इससे एक तो आपको पता चल जाएगा आपका पानी कितना प्योर है। अब ये प्योरिटी की भी रेंज होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पानी है वो इसमें ज़ीरो आए मीटर पे। ज़ीरो आ रहा है मतलब वो पानी भी अच्छा नहीं है, थोड़ी इम्प्योरिटीज़ पानी में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हमारा अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और रेगुलरली स्ट्रांग होता रहता है, और जो मिनिमलिस्टिक चीज़ें रहती है उन्हें वो डाइजेस्ट करके सिक्रीट यानी बाहर निकाल सकता है गंदगी को, वो हमारी बॉडी अपने आप भी काम कर सकती है। इसके लिए जो इसकी एक एक्सपेक्टेड रेंज रहती है, ये एनीवेयर बिटवीन आप 20 से लेके 70 के बीच में जो इस मीटर पे शो करे वो पानी आप पी सकते हो, वो बहुत अच्छा है। और अगर 50 के आसपास हो तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें कहते हैं कि जितनी इम्प्योरिटीज जिस होनी चाहिए उतनी सफिशिएंट रहती है, ना ज़्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट लेवल है। चलिए आइए अब थोड़ा सा इस डिवाइस के बारे में आप लोगों को और बता देता हूँ। ये बहुत ही बेसिक सी इस बॉक्स पैकेजिंग में आता है जिसको मैंने आप सबके सामने अभी खोला। इसके अंदर ये एक मीटर आता है, एक इसका मैनुअल आता है गाइड, जिसका अभी हमें कोई काम नहीं है। तो सबसे बेसिक ये जो मीटर है इसको हम नीचे से यहाँ पे खोलेंगे, ये इसका एक रिमूवेबल यूनिट रहता है, इसमें आप पानी भरते हो, इतना ही पानी भरना है कि ये जो है ये अच्छे से, ये जो लाइन है यहाँ पे इस लाइन तक ये अच्छे से इसमें डिप हो जाए, ताकि ये जो इतनी छोटी सी डिजिटल की स्क्रीन है इस पर आपको रीडिंग नज़र आ जाएगी। अब इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, इसके पहले जो मैं यूज़ करता था उसमें दो ही चीज़ थी, इसमें जो तीन चीज़ है एक ऐड ऑन है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो बेसिक बटन है ऑन ऑफ का, सबसे नीचे जो बटन है वो ऑन ऑफ का बटन है। दूसरा उसके ऊपर जो बटन है वो टेम्परेचर का बटन है, और उसके ऊपर जो बटन है वो होल्ड का बटन है। अब इन तीनों का मैं आपको बेसिक फीचर्स बता देता हूँ। ऑन ऑफ का तो आपको पता ही है ऑलरेडी अच्छे से कि वो क्या काम आता है, उससे हम, जैसे मैंने एक बार प्रेस किया तो ये TDS मीटर मेरा चालू हो गया है, और ये ही मैं एक बार वापस प्रेस करूँगा तो ये बंद भी हो गया। ये ऑन ऑफ के लिए रहता है। टेम्परेचर यानी पानी का टेम्परेचर चेक इसके अंदर, ये एडिशनल फीचर है इस वाले TDS मीटर का। यूजुअल TDS मीटर में पहले नहीं आता था कि पानी का क्या टेम्परेचर है, वो उससे पता चल जाता है। और जो होल्ड वाला फीचर है कि एक बार मैंने इसमें पानी भरा और इसमें जो ये रीडिंग बता रहा है उस रीडिंग को होल्ड करने के लिए, कि जैसे ही मैंने निकाला वो चले जाएगा, अगर उसको होल्ड करना है कि मुझे किसी को दिखाना है या मुझे फ़ोटो खींचनी है तो ऐसे करके तो खींचना बहुत मुश्किल है, और इसके अंदर मैं रख के रख नहीं सकता, ऐसे लॉक हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो उस वजह से वो होल्ड करते हैं, और होल्ड करके आप उस रीडिंग की फ़ोटो खींच सकते हो या किसी को और को दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। यूजुअली जितने भी वाटर प्योरीफायर वाले रिपेयर सर्विसेज एंड ये सारी जितने भी इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं वो सब लोग ये कैरी करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट चेक कर लीजिए, या जब कभी आप लोगों को डाउट हो रहा है बिफोर बिस्लरी को मंगाने से पहले या और कोई भी वाटर सर्विस को मंगवाने से पहले, एक बार आप
इस मीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं ये चलता कैसे। इसके अंदर इनबिल्ट सेल डला हुआ आता है कंपनी के तरफ से ही, वो छोटे गोल बटन वाले सेल्स डलते हैं इसके अंदर। तो चलिए अब आप सबको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। मैं आप लोगों को बिस्लरी के पानी का कंपैरिजन दूंगा। मेरे यहाँ पे जो अल्कलाइन प्योरीफायर जो लगा हुआ है उसका एक एग्जांपल दूंगा, और एक सीधा जो टैप वाटर है इसका एग्जांपल दूंगा। आप सब खुद देखिए कैसे काम करता है ये और कैसे दिखाता है पूरा का पूरा। चलिए अभी करते हैं वो TDS मीटर को चेक। ये मेरा अल्कलाइन यूनिट है जिसमें से पानी अल्कलाइन होता है, बट अभी पीछे बिल्डिंग का पानी बंद हुआ है, इसके लिए ये अभी टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बाद में मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी के थ्रू या कहीं और बता दूंगा। इसमें अभी मैं मटकी का पानी चेक करूंगा, ये टैप का पानी जो आता है जैसे बर्तन वगैरह धोते हैं वो चेक करेंगे, एंड ये मैंने जस्ट एक बिस्लरी का कैन मंगवाया था क्योंकि पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सब चेक करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट। मैंने इस कटोरी के अंदर जो नल का पानी आ रहा था टैप वाटर वो डाल दिया है, इस वाले के अंदर मटकी से पानी भरा है, और ये जो नया वाला कैन खोला है उसमें से थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब इसका जो यूनिट है उसके अंदर पानी डालते हैं और चेक करते हैं कि कैसे कैसे, जैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसमें से। ये आपको रीडिंग यहाँ पे दिख रही रहेगी, ये देखिए 126 इसके अंदर बता रहा है। ये सीधा जो टैप से पानी आ रहा है वो वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ये मटकी का पानी देखते हैं कि इस मटकी के पानी में क्या रीडिंग आती है। ये देखिए ये यहाँ पे 116 की रीडिंग आ रही है इस मटकी के पानी में, आप सबको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये मटके का पानी 116 बता रहा है, क्योंकि ये पीछे हमारा पानी गंदा आ रहा था उस वजह से। और आइए अब ये बिस्लरी वाला मैं आपको उसमें डाल के बताता हूँ, जो इनका यूनिट है उसके अंदर डाल के कैसा हो रहता है। तो इस TDS मीटर के अंदर एक वायर है, जब जैसे ही उस वायर पे लगता है पानी वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये देखिए ये 92 इसका आया है जो बिस्लरी से पानी आया है। तो यूजुअली जब प्योरीफाई कर देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, करीबन आपका पानी 20 से 70 ppm इसका जो यूनिट है वो ppm होता है उसके बीच में होना चाहिए। बट ठीक है ये थोड़ा सा ज़्यादा वाला है, बट अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा जब तक हमारा ये अल्कलाइन मीटर वापस चालू हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप सबको वो डेमो के थ्रू इस TDS मीटर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल रहता है आप नीचे कमेंट कीजिए, या नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिया है वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए, एंड वहाँ पे भी मैं आपको आपकी क्वेरीज का आंसर दे दूंगा। आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा इस चीज़ के बारे में। आपको कोई भी सवाल रहता है तो इस प्रोडक्ट की बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। मुझे पर्सनली ये 126 रुपीज़ का पड़ा था क्योंकि मैंने इसमें GST क्लेम भी कर लिया था। बात करते हैं आगे, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, ताकि आप मैं और हम सब अच्छा पानी पिए। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना पानी पीना ज़रूरी है उतना ज़्यादा पानी का साफ रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें पानी, आधी से ज़्यादा जो डिजीजेज रहती है, जितनी भी बीमारियाँ रहती है वो पानी से बहुत जल्दी फैलती है। तो आप मेरे इस, आप आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरे इस YouTube चैनल को जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस YouTube चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई नई वीडियो डालूँ आप सबके पास सबसे पहले आ जाए वो वीडियो। मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्दी एक और नए और फ्रेश वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।